कहना चाहोगे आज आप बप्पा के दर्शन के लिए आए, क्या कहना चाहिए? मैं राजश्री से खुद ही बोली कि मैं ज़रूर आऊँगी आपके इधर और मुझे आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, इसी बहाने आदिल से भी मुलाकात हो जाएगी। अब आदिल से तो रिश्ता ही है, जीजा रहे हैं हमारे, अब नहीं है तो क्या हुआ है। हेलो आदिल सर, हेलो ओके क्या कहना चाहोगे आज आप राजश्री जी के यहाँ पर आइए, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएं। राजश्री तो डार्लिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि माशाल्लाह वो बोलते वक्त काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, उनका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। मैंने सबसे पहले मैंने ही तारीफ़ की थी, मुझे जितना याद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मेरी मोस्टली इनसे बहुत बार बात हुई है, ऑन कॉल बात हुई है, लेकिन आज हम पहली बार मुलाकात हुई है, हमें नहीं लग रहा कि हम एक दूसरे से पहली बार मिले। ओके राशि को आपने बहुत सपोर्ट किया है, उनके बारे में काफ़ी गलत कुछ बोला था राखी जी ने, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? राजश्री को देखिए, मैंने ही नहीं सभी ने सपोर्ट किया और सब उनके बारे में उनकी बात से वाकिफ़ रखते हैं कि वो जिस तरीके से बात करती हैं, जो अपनी बात को रखने का एक बोलते हैं ना, एक बहुत पेशेंस और काम, यू नो, उस तरीके से लोग अपनी बात को रखते हैं, ना चिल्लाना है, ना टकराना है, ना रोडों पर अपने आप को वाहियात तरीक़े से दिखाना है कि मैं ये मैं वो, तो ये लोग बहुत आराम से बात करते हैं, जिससे पूरी आवाम अच्छे तरीके से सुनती है, समझती है। वही मैंने किया, ऑब्जर्व किया, तो मुझे अच्छी लगी वो। आदिल काफ़ी पीड़ित रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सी पीड़ित देखो, अब राखी भी चिल्ला चिल्ला कर रोती है, आदिल अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ सामने रखते हैं, तो आई वॉन्ट कि जो सच है वो तो सामने आएगा और इंशाल्लाह जिसको भी जितना परेशानी हुई है उतनी खुशियाँ मिलेंगी। ओके आपकी दोस्त रूबिका रूबीना की अगर हम बात करें और अभिनव की बात करें, क्या कहना चाहोगे? आपने को तो ये खबर पता चला होगा, पति खबर पता चला होगा कि शी इज प्रेग्नेंट राइट नाउ, क्या कहना चाहोगे? इतनी खुशी की खबर है और yes. आप जब भी खुशी होती तो आप हमेशा लोगों को ब्लेस देती, क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम वेरी हैप्पी, अभिनव पापा बनने वाला है और अभिनव बनने वाला है अब्बा, और कॉन्ग्रेचुलेशन रूबी, और बस यही है कि बच्चा होगा तो देखने जाएंगे इंशाल्लाह। तो बातचीत हुई आपने, मतलब फोन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मेरा मैं खुद ही बिजी चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग कभी भी बात करते हैं तो एक दूसरे से जवाब हो ही जाते हैं हम लोगों के, ऐसा कभी नहीं है कि ये हम लोग बिग बॉस के बाद बात नहीं करते, कभी कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है तो हम लोग ज़रूर कर लेते हैं। क्या क्या कहना चाहोगे अगर आप बच्चा आने वाला तो कुछ अगर आप आने तो दो बच्चा फिर बोलूंगी ना बाबा, लड़के के लिए अलग से बोला जाएगा, लड़की के लिए अलग से बोला जाएगा। ओके आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ नया सॉन्ग, वेब सीरीज आने वाली है और कुछ शोज हैं जिसमें मेरी इंट्री होने वाली है, तो इंशाल्लाह वो जल्दी आएगा। थैंक यू। थैंक यू।